हाय दोस्तों, मैं राहुल आर्या। यार मैं पिछले काफ़ी समय से नशे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा जीवन में अस्त व्यस्त आ चुकी थी। कहने का मतलब यह है कि सब कुछ बर्बाद ही कर चुका था। तरह तरह के बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों में मैंने इलाज लिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले मैं देहरादून में एक रिहैब में आया हूँ जिसका नाम है लास्ट रिहैब। वहाँ हमारे एक बड़े भाई हैं, आदरणीय हमारे विजय डिमरी जी। उनकी कहानी सुनी, लाइफ स्टोरी सुनी, उनकी कहानी सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनकी स्ट्रगल देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आया हूँ मैं, मैंने काफ़ी रिहैब काटे हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट लिए हैं। पिछले 13-14 साल से मैं नशा मुक्ति केंद्रों के ही चक्कर काट रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जो देखा है, यहाँ पे ना ही तो किसी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न होता है पेशेंट के साथ, ना ही किसी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम से रिलेटेड, सुधार से रिलेटेड ही समझाया जाता है किस तरह से ट्रीट करना है पेशेंट को। अपनी तरह से ही ट्रीट करना है, जो व्यवहार खुद को पसंद होता है वही व्यवहार पेशेंट के साथ किया जाता है। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ ट्रीटमेंट में, लेकिन मैं भाई साहब के साथ आया हुआ यहाँ पे, इधर शिमला के पास कोई जगह है, यहाँ पे एक पेशेंट लेने आए हैं हम, और मुझे यकीन है कि उसके जीवन में भी सुधार आएगा। मैंने बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र देखे हैं मगर जिस तरह से यहाँ पर रिजल्ट देखा है मैंने नशा मुक्ति केंद्र का, इस नशा मुक्ति केंद्र का, उस मुताबिक मैंने कभी भी किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में इतना अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं देखा। काफ़ी समय हो चुका है मुझे, 13-14 साल हो चुके हैं, लेकिन जो अनुभव मुझे यहाँ पर मिला वो अनुभव कहीं नहीं मिला। जिस तरह से यहाँ पर समझाया गया, मुझे ट्रीट किया गया, बहुत अच्छा, बहुत 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 वेरी गुड। और दोस्तों मैं एक मेरी एक अपील है सभी भाइयों से, जिसके भी जीवन में नशे के कारण अस्त व्यस्त आई है, जिसका भी जीवन बर्बाद हुआ है, घर परिवार बर्बाद हुआ है, एक बार सिर्फ एक बार लास्ट रिहैब देहरादून नशा मुक्ति केंद्र में संपर्क जरूर करें। आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे।